अब मैं हमारे आए हुए जो अतिथि हैं मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा और वह आकर के अपने विचार अभिव्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं नॉर्थ कैरोलिना विश्वविद्यालय अमेरिका से आए हुए जनाब जॉन शील कार्डवेल साहब को आमंत्रित करता हूं कि वह आएं और अपने विचार अभिव्यक्त करें। जनाब जॉन शील कार्डवेल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सारे ऑर्गेनाइजर्स को और आपको मुबारक देना चाहता हूं कि आपने इतने प्यारा कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम किया और मेरे जितने लोग बैठे हैं मंच पर मैं उनमें से ज़्यादातर अपने गुरुओं को और उस्तादों को पहचान रहा हूं। अफरोज़ ताज साहब मेरे पहले उस्ताद रहे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में जहां पर मैंने उर्दू और हिंदी सीखी है और उनके साथियों में से अलीगढ़ में और जे एन यू में से और फिर आगे जाकर अमेरिका में से ये नसीर भाई हैं डॉक्टर हसन परवेज साहब हैं और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और मैं अपने राय देने से पहले सबसे पहले अहमियत देना चाहता हूँ अबुल कलाम साहब को जिनसे मुलाकात हुई थी दिल्ली में जे एन यू में और जब यहाँ उनका होस्टिंग हुआ था तो उन्होंने ही हमें मानू के कैंपस पर बुलाया और मानू के सबसे मुलाकात करवाया। थैंक यू जी। तो इस कॉन्फ्रेंस का उपनाम या तकिया कलाम है गंगा जमनी तहजीब। तो इस पर मैं थोड़ा सा तज्जिया करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें कुछ खूबियाँ भी हैं इस ख्याल में और इसमें एक दो ऐप भी हैं एक दो जोल भी हैं। तो एक हद तक बहुत सही बात है कि हिंदुस्तान में दो बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं जमुना और गंगा और उनके अलग अलग एसोसिएशंस हैं जैसे कृष्ण जी जमुना के किनारे पर राधा के साथ खेलते थे होली खेलते थे और साथ में मुगलों के लाल किले दिल्ली में भी आगरा में भी जमुना के किनारे पर हैं। तो मैं समझता हूँ हिंदू मुस्लिम कल्चर का बहुत अच्छा इस्तियारा है बहुत अच्छा प्रतीक है लेकिन इसमें एक जो बात है ये एक फॉल्स बाइनरी बन जाता है कि सिर्फ दो ही धाराएं हैं हिंदुस्तान में हिंदू या मुस्लिम। जब तक इतने धाराएं हैं इतनी नदियां मिल जाती हैं और संगम की बात ही है ख़ास बात है इस प्रतीक में इस इस्तियारा में संगम की बात है ना जो गंगा जमुना मिल जाते हैं प्रयाग में इलाहाबाद में और आगे जाकर बहती रहती हैं। तो इसमें सिर्फ दो नदियाँ नहीं मिलती हैं मतलब पूरी गंगा के जितने हजारों किलोमीटर जो बहती है इसमें राजा भगीरथ की भगीरथी भी है गोमुख से लेकर आकर यहाँ नीचे यूपी में आता है और पुल देवी की चंबल नदी भी है और वाजिद अली शाह की गोमती भी मिल जाती है और आगे जाकर सब गंगा बन जाती है ना। तो जी तो उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि इसमें गंगा जमुनी तहजीब में हिंदी कहाँ है उर्दू कहाँ है क्या उर्दू ही जमुना है क्या हिंदी ही गंगा है। मैं कहता हूँ कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता है क्योंकि इतने धाराएँ हैं इसमें कि जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारे नदियाँ मिल जाती हैं। तो कोई आजकल कोई कहता है कि उर्दू जो है जैसे ज़ुबान उर्दू है वो पुरानी हो गई वो नवाबों की ज़ुबान थी ये अब गायब हो गई दुनिया में से ख़त्म हो रही है जैसे बिल्कुल नदी एक नदी और भी है ना संगम पर सरस्वती इसके बारे में ये कहते हैं कि एक ज़माने में थी अब गायब हो गई अब तो बस रूहानी नदी है तो वो मिल जाती है वहाँ पर एक मिस्टिकल नदी है। तो ये भी गलत बात है कि कोई नदी और कोई ज़ुबान का वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि उर्दू जो है उर्दू वही ज़ुबान है जिसमें सारे ज़ुबानें ज़ब्त हो जाती हैं वो उर्दू हर ज़ुबान से अब्ज़ॉर्ब करती रहती है कभी इंग्लिश से कभी फारसी से कभी अरबी से कभी संस्कृत से और कभी हिंदी से कभी भोजपुरी से कभी ब्रज से। तो ये सारे जो नदियाँ जो मिल जाती हैं उर्दू में तो शायद उर्दू ही गंगा है। और एक और सिंबल है जो मुझे बहुत पसंद है
एक बात है कि आगे जाकर अभी अभी हम कोलकाता गए थे एक कॉन्फ्रेंस के लिए और कोलकाता में मैंने नोटिस किया था कि वहाँ पर गंगा दो धारी में बन जाती है, अलग हो जाती है, एक तरफ हुगली के नाम से जाने जाती है और दूसरी तरफ से गंगा जो बांग्लादेश में है। तो मैं कह रहा था ये गलत होगा अगर हम एक ज़ुबान के दो दो नाम रखें कि ये हुगली है, ये गंगा है, वो गंगा ही गंगा है और आखिर में वो सारे नदियाँ समंदर में मिल जाती हैं। तो एक और बात कहूँगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट थे कि उर्दू लोग कहते हैं उर्दू का मतलब है फौज या सेना, मतलब मिलिटरी, और वो भी मुझे पसंद, ये बात पसंद नहीं है क्योंकि उर्दू का असली मतलब है तुर्की ज़ुबान में हजूम, मतलब भीड़, मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल जाते हैं, अलग अलग मुख्तलिफ लोग मिल जाते हैं, विविधता की बात है यहाँ पर। तो इसमें हमें भूलना नहीं चाहिए कि उर्दू में और हिंदी में इतने हज़ारों चीज़ें, हज़ारों वर्ड्स मिली हुई हैं कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोनों ज़ुबानें, दोनों भाषाएँ ख़तरे में हैं। और ख़तरे कैसे, एक तरफ से हिंदी ख़तरे में है, आप सब जानते हैं कि ये इंग्लिश भी सिखाई जाती, बोली जाती है, मेरी मादरी ज़ुबान इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश जानबूझ कर नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं खालिस अमेरिकन हूँ और इंग्लिश मेरी पहली ज़ुबान थी। लेकिन जैसे मैंने हिंदी उर्दू सीखी तो मुझे यहाँ की तहज़ीब के बारे में सीखने को मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हिंदी एक तरफ से ग्लोबलाइजेशन की तरफ से ख़तरे में है और दूसरी तरफ से ख़तरे में है कि लोग उसको शुद्ध हिंदी बनाने के चक्कर में खूब सारे संस्कृत के शब्द डालते हैं और फिर वो अशुद्ध हो जाता है और फिर लोगों की समझ में कम आती है। और उर्दू भी ख़तरे में है, क्यों, सिर्फ वो नहीं, लोग कहते हैं कि मुसलमानों की ज़ुबान है और आजकल स्टिग्मटाइज हो रही है, लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल ज़ुबान है, हालांकि बहुत शीरीन ज़ुबान है, बहुत खूबसूरत ज़ुबान है। लेकिन मेरे ख्याल से उर्दू को सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि वो इंसानियत की ज़ुबान है और तरक्की पसंद वालों की ज़ुबान है। तो आजकल अमेरिका में भी और यहाँ पर भी शायद ये ख्याल थोड़ा सा कम पॉपुलर है, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाकर इंसानियत का झंडा हम लहराते रहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब मैं नॉर्थ कैरोलिना विश्वविद्यालय अमेरिका से ही आए हुए डॉक्टर अफरोज नकवीतार साहब को आमंत्रित करता हूँ, वह आएँ और अपने विचार अभ्यक्त करें। डॉक्टर अफरोज नकवीतार साहब, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि वक्त का मुकाबला ज़्यादा है और ज़्यादातर बातें जो मैं कहना चाहता था जान कॉर्डन ने खुद बता दी, चुरा ली इन अदर वर्ड्स। सन 81 से जैसे बताया था मैं अमेरिका में हूँ, JNU से गया था 35-36 साल पहले, इससे आप लोग मेरी उम्र का गलत अंदाज़ा ना लगाएं। मधुबन के गुलों में पसे खुशबू नज़र आया, मधुबन के गुलों में पसे खुशबू नज़र आया, उस नीम बाज आँख में हरसू नज़र आया, चाहे गज़ल हो मीर की मीरा का भजन हो, हर लफ्ज़ के पर्दे में मुझे तू नज़र आया। मधुबन से गुलों को कैसे अलग किया जा सकता है या खुशबू को, और गज़ल को भजन से कैसे अलग किया जा सकता है भला, एक ही स्टेज पर दोनों पेश की जाती हैं हमारे हिंदुस्तान में। अगर ऐसा ना होता तो इंद्र सभा इतनी मशहूर कैसे होती, उसमें वहाँ भजन भी है, गज़ल भी है, ठुमरी भी है, होरी भी है, मनकबत भी है और सब कुछ है मौजूद, और वो बहुत मकबूल रही अपने ज़माने में सिर्फ इस वजह से कि उसमें सारी विरासतें और सारे रंग, सारी परियों के रंग यकजा थे और एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे।
बहुत से मेरे दोस्त अहबाब और ख़ासकर मेरे उस्ताद जनाब नसीर खान साहब और मेरे दोस्त कलाम साहब जानते हैं कि मैं जियोलॉजी का स्टूडेंट था जब मैं अलीगढ़ में पढ़ता था, अर्ज़ियात यानी के पत्थरों के बारे में, और कभी कभी शेर भी साथ में लिखता जाता था। मेरी अम्मी जान एक दिन आई और मुझसे बोली, बेटे ये क्या है? उर्दू में एक शेर लिखा था। मैंने कहा कुछ नहीं ना देखें। मैंने कहा बताओ बेटे क्या है? मैंने कहा वो शेर है। उन्होंने पढ़ा और मुझसे कहा, मुझे एक बात की फिक्र है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मोहब्बत किसी और से करो और शादी किसी और से कर लो। उनकी बात मेरे समझ में आई और मैं पत्थरों से निकलकर फूलों में आ गया, लिटरेचर में आ गया। पत्थर के जिगर वालों, गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा, बहता हुआ पानी है। और पानी मुझे बहा कर अमेरिका ले आया। यहाँ पर हम हिंदी उर्दू की खिदमत करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसमें कोई एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि हिंदी उर्दू जैसा हमारे दोस्त करण साहब ने बताया और बहुत अच्छी बात कही कि हम और हिंदी उर्दू को एक साथ पढ़ाते हैं। हिंदी स्लैश उर्दू नहीं कहते, हिंदी हाइफन उर्दू कहते हैं, यानी एज ए वन वर्ड, क्योंकि पार्टीशन वहाँ नहीं हुआ है, यहाँ हुआ है। तो हमारा एक ही नाम है एक ज़ुबान का, वो है हिंदी उर्दू, और एक साथ पढ़ाते हैं। और एहसान नहीं करते इसलिए कि हिंदी उर्दू मिलकर दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबानों में नंबर दो है। पहले चाइनीज़ मैंड्रीन, फिर हिंदी उर्दू, उसके बाद में स्पेनिश, और फिर नंबर चार पे अंग्रेज़ी आती है जनाबे वाला। तो वो इसलिए है नंबर दो पर कि हम हिंदी उर्दू को, जो बोले जाने वाली ज़ुबान की बात कर रहे हैं हम, तो बोलने में दोनों ज़ुबानें एक हैं। हाँ, वोकैबुलरी इधर उधर ठूसी ज़रूर जा रही है, जैसे जिक्र हो चुका है, एक तरफ अरबी फारसी के अल्फाज डाले जा रहे हैं अननेचुरली भी, और एक तरफ संस्कृत को ठूसा जा रहा है अननेचुरली भी, नेचुरली तो वो अपनी जगह है। और उससे क्या हो रहा है, बेचारी उर्दू जो है, या बेचारी ज़ुबान आई उठ से, कि एक तरफ नस्तालीक खींच रही है तो एक तरफ देवनागरी खींच रही है, इस रस्सा कशी में उर्दू या हिंदी, या मैं कहूँगा कि ये ज़ुबान अपना रंग खो रही है, असलियत खो रही है, मुझे ऐसा लगता है। वो एक मुझे बात याद आ रही है बड़ी इंटरेस्टिंग, कि उसमें तौरात की कहानी है ये, कि हज़रत सुलेमान के पास दो औरतें पहुँची और दोनों झगड़ा करते हुए एक बच्चे के ऊपर कि ये बच्चा मेरा है कि मेरा है। हज़रत सुलेमान ने कहा, ऐसा करो, बहुत आसान है ये, इस बच्चे को आधा आधा काट दो। तो जो असली माँ थी वो चीख पड़ी, कहने लगी ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं गलत थी। तो ऐसा होता जा रहा है, लोग अपनी अपनी तरफ रस्साकशी कर रहे हैं, खींच रहे हैं और कमंदें फेंक रहे हैं, फंदे फेंक रहे हैं वोकैबुलरी के, अपनी अपनी तरफ खींचने के। तो बस इसमें मैंने ये जो मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा वो ये कि एक अजीब मिसाल है हिंदी उर्दू के, जहां पर जो एक ज़ुबान अंदर से खुद से कंपीट कर रही है, खुद से कंपीट कर रही है। क्योंकि अगर एक तरफ आप संस्कृत की वोकैबुलरी निकाल लें, दूसरी तरफ से आप फारसी अरबी की वोकैबुलरी निकाल दें, तो जो ढांचा रह जाता है वही ढांचा तो असली ज़ुबान की रीढ़ की हड्डी है, और वो बिल्कुल एक रह जाती है, और वो उसकी इनफरादियत है। मगर हमारी कोशिशें पूरी हैं, लगातार हैं, और हम उसको एक ज़ुबान कर रहे हैं। हमसे सवालात पूछे जा रहे हैं, आप ये एक ज़ुबान क्यों पढ़ाते हैं? हम कहते हैं कि काबे से गरज है ना काशी से वास्ता, काबे से गरज है ना काशी से वास्ता, हम ढूंढने निकले हैं मोहब्बत का रास्ता। कितना खूबसूरत टॉपिक है, आप देखिए हिंदी और उर्दू की साझी विरासत। मुझे इतना दिल खुश हुआ है मेरा, लेकिन एक जो लफ्ज़ इसमें है उससे मुझे शिकायत है, या मैं समझता हूँ कि वो शायद ना होता तो और अच्छा होता, वो है और, हिंदी और उर्दू की साझी विरासत।
यहाँ तो पकड़ गए, एक ही जुबान है, एक ही जुबान है तो उसकी भी साझी विरासत तो होनी चाहिए ना, तो वो है। और साथ साथ जो इनविटेशन कार्ड बड़ा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है इनविटेशन कार्ड, लेकिन उसमें उर्दू की भी आमेजिश है, हिंदी की भी आमेजिश है, दोनों की है, देवनागरी में है, लेकिन काश के थोड़ा बराबर बराबर होता तो मैं समझता हूँ और अच्छा लगता। लेकिन ये आप लोग जानें, क्योंकि मैं तो भाई बाहर से आया हूँ और मैं इतना ही समझता हूँ कि लिपि और या उसको रस्मुल ख़त कहें तो उससे ज़ुबानें दो नहीं होती हैं, उससे ज़बानें फ़र्क नहीं होती हैं। अगर लिपि या रस्मुल ख़त से ज़ुबानें फ़र्क हो जाती हैं तो इंडोनेशिया की ज़ुबान टर्की की ज़ुबान वही है अब भी, जबकि रस्मुल ख़त बदल गया है, क्योंकि ज़ुबान तो वही रहती है। बहुत काम चल रहा है मानू के अंदर, और मानू के अंदर जो काम चल रहा है उर्दू पर ख़ासकर, वो वाकई माइंड ब्लोइंग है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके इसमें जो दोनों जो जो चीज़ और जो ये काम शुरू हुआ है, मैं कहता हूँ कि खुदा करे ये चलता रहे इसी तरह से। तो लेकिन इसमें जो जो काम चल रहा है, इसमें और भी मेहनत की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम रिसर्च या मकालों में फंस जाएं और ज़ुबान सिर्फ लिटरेचर तक रह जाए और ज़ुबान ज़ुबान तक ना रहे। क्योंकि जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे फ़र्क नज़र आता है थोड़ा सा, कि हैदराबाद जैसी जगह, अलीगढ़ जैसी जगह में उर्दू का रंग फीका होता जा रहा है। तो मुझे मौका है इस वक्त अपनी चार लाइन सुनाने का, कि हैं टाट के पर्दों में ही उर्दू के तलफ़ुज़, हैं टाट के पर्दों में ही उर्दू के तलफ़ुज़, टूटे हुए महलों से अना झांक रही है, ए उर्दुए बीमार के गमखार खबर ले, शीशी से बस एक दिन की दवा झांक रही है। इसमें कसूर किसी का नहीं है, क्योंकि ज़बान ही इतनी खूबसूरत है, हर शख्स कह रहा है कि हमारी अच्छी सूरत भी क्या बुरी शह है जिसने डाली बुरी नज़र डाली। बहुत बहुत शुक्रिया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से आए हुए प्रोफेसर नसीर अहमद खान साहब को आमंत्रित करता हूं, वह आए और अपने विचार अभिव्यक्त करें। प्रोफेसर नसीर अहमद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इज्जत बख्शी, आपने यहाँ बुलाया। और जब मेरे पास ये फ़ोन आया कि आपको यहाँ आना है तो मैं फौरन तैयार हो गया। उसकी वजह ये थी कि ये मौजू मेरा महबूब मौजू है, मैंने 40 वर्षों तक इस मौजू पे काम किया है और ऐसी ऐसी आजमाइशों से गुजरा हूँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सर पे बाल भी नहीं रहे। ये जो उर्दू और हिंदी का जो मसला है उसी के ताल्लुक से, तो शेख जामिया साहब से इजाज़त के साथ कुछ दो चार बातें हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये मौजू बहुत अहम है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस तरह भी लगा सकते हैं कि 35 साल पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एक इंटरनेशनल सेमिनार किया था और पीटर हुक, वन अल्फन और ये सब लोग उसमें आए थे, मैं भी था उसमें। और कॉमन बेसिस ऑफ उर्दू एंड हिंदी, उसके बाद मेरी दिलचस्पी बढ़ी और यूजीसी से एक मेजर प्रोजेक्ट मैंने लिया और 3 साल तक इस पर काम किया। वो किताबी शक्ल में भी आ रहा है लेकिन उसके हिस्से दूसरी किताबों में, मज़ामीन में मौजूद हैं जो छप कर सामने आ चुके हैं। उसके बाद कीड़े के बजाय तो मैंने कहा कि थोड़ा सा और देखा जाए, तो हिंदी उर्दू शब्दकोश 3,500 पेजेस की
मैंने तैयार की। फिर ये एहसास हुआ कि अभी तश्न की बाकी है तो उर्दू ज़बान की तारीख मैंने लिखी जो अभी 6 महीने पहले मंजर यहाँ पे आ गई आ चुकी है और 2-3 एडिशन उसके इस दौरान छप चुके हैं। उसके बाद एक फोनेटिक डिक्शनरी उर्दू की वो सामने आई, फिर उर्दू की कवायद सामने आई। तो इस अरसे में मुझे बहुत कुछ सोचने का मौका मिला और बहुत कुछ करने को जी चाहा, लेकिन देखिए कहाँ तक बात पहुँचती है। अपने ऑब्जर्वेशंस मैं 2-4 रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि उर्दू और हिंदी को समझने के लिए 2 अप्रोचेस हैं, सोशो पॉलिटिकल अप्रोच। उसके ताल्लुक से आप बगैर किसी झिझक के ये कह सकते हैं कि उर्दू और हिंदी 2 अलग अलग ज़ुबानें हैं, और अगर लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुतालआ करते हैं और सोचते हैं तो आपको कहना पड़ेगा कि उर्दू और हिंदी एक ज़ुबान है। हम लोगों ने अपनी सहूलत के लिए जहन में क्या है, परानिंदगी है या मोहब्बत है या सच्चाई है, क्या है, अपनी अपनी सहूलत के लिए चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और ख़लत गलत कर देते हैं और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जबकि बिल्कुल साफ बात है। आप इसको सोच के चलिए कि एक ज़ुबान थी, मैंने इसको 8वीं सदी से ट्रेस किया है और आज की तारीख जब तक वो किताब तैयार हुई है, पूरे तारीख़ी जो उसका मंजरनामा है उससे ये प्रूफ किया है कि ये ज़ुबान का मसला क्या है और उर्दू और हिंदी का मसला क्या है। उर्दू ज़ुबान की तारीख में तो गोया 1200-1300 साल की तारीख को मैंने खंगाला और ये देखा कि प्रॉब्लम क्या है। तो पहली बात तो ये सामने आई कि ये एक ही ज़ुबान थी और उसको 2 हिस्सों में एक साजिश के तहत इंग्लिशों ने बांटा, और इसमें 3 नाम बहुत अहम हैं, सर विलियम जोन्स, गिलक्रिस्ट और गिलियर्सन। गिलक्रिस्ट साहब ने तो कहा कि भाई आपको मुलाजिम रख रहे हैं, अरबी फारसी रस्म खत में लिखी है थोड़ा सा अरबी फारसी अल्फाज के साथ, और उनसे कहा कि आप देवनागरी में लिखिए थोड़ा संस्कृत के साथ। तो यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सच्चाई क्या है और जहन किस तरह उन लोगों के सोच रहे थे। फोर्ट विलियम कॉलेज को लोग उर्दू में कहते हैं कि उर्दू अदब की खिदमात में बेहद अहम किरदार अदा करने वाला अदारा, वो साजिशों का गढ़ था और वहाँ सिर्फ साजिशें बनाई जाती थी कि क्या करना, एक फैक्ट्री थी कि किस तरह से इस पर हुकूमत करना है और उसके लिए हमें क्या क्या करना, ये सब प्रूफ मौजूद है। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, किसी वक्त मौका मिलेगा तो इसको रुजू कर सकता हूँ। तीसरी जो बात थी हमारे गिरेश स्थान ने एक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया लिख दी, इंतहाई बकवास सर्वे, मैं बिल्कुल वसूख के साथ कह सकता हूँ, इसको प्रूफ कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि एक ज़ुबान थी हिंदी, एक मगरबी हिंदी है, एक मशरक़ी हिंदी है। मगरबी हिंदी में ये 5 बोलियाँ हैं, खड़ी बोली और बुंदेली और कन्नौजी और ब्रज और हरियाणी, और उसकी एक शाख उर्दू है। अरे हिंदी लफ्ज़ ही उर्दू ने दिया है, तो आप इसको ये नाम क्यों दे रहे हैं, कुछ और नाम दीजिए और बात जो कहना चाहते हैं वो कीजिए, तो कन्फ्यूजन पैदा करना और ये करना। उनकी जो कवायद है जिसमें उन्होंने बहुत ही गलत हरकतें की हैं गिलक्रिस्ट ने, उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि उर्दू के कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनकी इश्तिकाकी शक्लें बनी नहीं सकती, डेरिवेशनल नहीं हो सकते उसमें, जैसे पत्थर, अरे भाई पत्थर, पथरीला और पथराई हुई, ये सब अल्फाज क्या हैं, हाथ, हथेली, हाथी, हथनी, हथौड़ा,
ये सब डेरिवेशनल फॉर्म्स हैं और आप कह रहे हैं कि इसकी कोई शक्ल ही नहीं है. इसी तरह से और बहुत से वो मैंने पूरी उसकी तस्वीर बनाई. तो ये जो था वो एक साजिश के तहत हुआ और इसमें हम लोगों ने भी काम किया जो मुतासिब लोग थे. और हम लोगों की हालत बहुत बुरी है और समझ में आता है कि जब कोई गुलाम कोई कौम गुलाम हो जाती है तो उसकी पूरी नफ्सियात बिगड़ जाती है. अब आप देखिए कि संस्कृत जो जननी है इतनी पावरफुल लैंग्वेज कि उसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता. आपने मार दिया उसको कि साहब ये तो भगवान की वाणी है और इसे कोई नहीं बोल सकता. जो पिएगा उसके कानों के पर्दे फाड़ दिए जाएंगे, जो पढ़ेगा उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी और वगैरह वगैरह वो पूरी कहानी. तो संस्कृत, अच्छा संस्कृत क्या है? संस्कृत और फारसी जो सगी बहनें हैं. तो फारसी को देखिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, सिस्टम साइंसेस, लाइफ साइंसेस, एनवायरमेंट साइंसेस, तमाम उलूम दुनिया के फारसी में मौजूद हैं. और संस्कृत को आपने मंदिरों तक गर्जित करके रख दिया. ये हमें कमाल हासिल है. और जैसे ये ज़ुबान को तोड़ दिया, वहाँ पे संस्कृत को तोड़ दिया. पाणिनी ने जो बहुत बड़ा विद्वान था व्याकरण का, उसने ये बताया कि भाई एक लैंग्वेज है उसकी ये उसूल है. लेकिन आपने कहा अब इसी उसूलों पर ये ज़ुबान चलेगी, ये गलत है. एक ग्रामर इसलिए लिखी जाती है कि एक चीज़ें बन जाए, लेकिन उस पर डंडा लेकर नहीं बैठ सकता. अब जो है लोगों ने डंडे पकड़ लिए हैं कि साहब सूरज मत कहिए, सूर्य कहिए. अब पीछे लौट रहे हैं, कन्फ्यूजन है. ये जो कौम गुलाम होती है उसके साथ ये मसले होते हैं जो हमारे साथ और हमारे दोस्तों के साथ, हिंदी वालों के साथ, उर्दू वालों के साथ और पूरे हमारे समाज के साथ हैं. इसमें निकल के आएंगे और मैं तो उसको पूरी उम्मीद हूँ पूरा. तो ये एक बातें तो अब शुरू हुई हैं तो कहाँ तक जाएंगे, लेकिन मुझे वक्त की का एहसास है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा. अब एक बात और इशारा करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो ज़ुबान थी, जो कॉमन रास्ता आप कहते हैं, बल्कि ये तो एक ही ज़ुबान थी जिसको दो बनाया गया किसी साजिश के तहत. और कुछ अल्फाज जोड़ने के बाद या रस्म खत बदलने के बाद दो ज़ुबानें नहीं बनती. लैंग्वेज तो ये है. हिंदी, अभी हिंदी वाले जो कहते हैं मेरी मादरी ज़ुबान हिंदी है, मैं उससे बात करूँगा, मैं कहूँगा मेरी मादरी ज़ुबान उर्दू है और हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं. ये क्या मजाक है भाई? ज़ुबानें वो होती हैं जो कम्युनिकेट ना की जाए. अगर आप जो कह रहे हैं वो मैं नहीं समझ रहा हूँ तो आप कोई ऐसी ज़ुबान बोल रहे हैं जो मुझे नहीं आती. और जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि कुछ थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो गया है, वरना एक ही ज़ुबान है. तो ये पूरी तारीख भी कहती है और हमारा पूरा सिस्टम भी कहता है और किताबें भी इससे मौजूद हैं. जिसने आज़ादी दिलाई और इतनी बड़ी शख्सियत, आप महात्मा गांधी का जब नाम लेते हैं तो सर झुक जाता है. वो उसने बिलावज नहीं कहा था कि वन लैंग्वेज विथ टू स्क्रिप्ट, उसे गोली मार दी कि नहीं अब तो ये है कि पाकिस्तान बन गया और वो अपने जाएं उर्दू बोलें, यहाँ तो हिंदी चलेगी. अभी हिंदी कैसे चलेगी? हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, यहाँ तो संस्कृत से बड़ी ज़ुबान जो है वो तमिल है, मुल्कों फैली हुई है, जो मादरी ज़ुबान है, इंडोनेशिया तक उसकी कमान मौजूद है. तो ये भी ठीक नहीं है कि आप इस तरह से कुछ बहती हुई शक्ल में आप चीज़ों को देखें. और मेरे एक दोस्त, मेरे हमवतन भी कमलेश्वर, जो बहुत बड़े राइटर भी रहे हैं, तो कहते थे नसीब भाई ये क्या हो गया है, ये क्या कैसी हम लोग चलेंगे आगे? 50 करोड़ की आबादी एक ज़ुबान को बोल रही है और आप कह रहे हैं कि ये तो गलत है, ये तो हिंदी है, ये तो उर्दू है.
और मेरा कहने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है, एक ज़ुबान है, दो स्क्रिप्ट के साथ लिखी जा सकती है। अभी जामिया में एक सेमिनार हुआ था, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने उसको प्रिसाइड कर रहे थे, तो वहाँ मैंने कहा कि एक ज़बान टू स्क्रिप्ट, अगर नाम की कोई प्रॉब्लम है तो आधा उर्दू का ले लीजिए, आधा हिंदी का ले लीजिए, उर्दी कर दीजिए, ख़त्म हो गया, ना हिंदी है ना उर्दू है, चलिए ये। और आप इतना ज़रा सोचिए कि ये हिंदुस्तान की लिंगुआ फ्रैंका है, जिसे आप साझी विरासत कह रहे हैं, ये हिंदुस्तान की लिंक लैंग्वेज है। अगर आप इसको तस्लीम कर लें, वन लैंग्वेज विद टू स्क्रिप्ट, तो ये सार्क ममालिक की लिंक लैंग्वेज बन सकती है। गोया 80 करोड़ की आबादी इसको बोल सकती है, लेकिन अल्लाह रहम करे इसने संस्कृत को ना छोड़ा, तो फिर इस पर कैसे इत्तेफाक करेंगे। अब इसी के साथ मैं पुरुम्मीद हूँ कि अच्छा ही निकलेगा, लेकिन ये तो सोचिए कि संस्कृत और आपकी बहन जो है फारसी, वो सिस्टर लैंग्वेजेस हैं, दोनों का डीएनए एक है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है और क्या क्या हो चुका है। अगर ऐसे ही है तो संस्कृत को ले आइए, तो वो समझ में आ जाता है, चलिए ना उर्दू ना हिंदी ना ये ना वो, लेकिन झगड़िए मत। और ये सोच के चलिए कि 80 करोड़ की आबादी को मत इस तरह से उसके साथ खिलवाड़ कीजिए, वो वन लैंग्वेज वो टू स्क्रिप्ट, दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर अस। थैंक यू वेरी मच।